नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन योजना के सामान्य नियम। पार्ट ए, रेल कर्मचारियों के लिए MACP योजना 1/9/2008 से लागू हुआ है। पहला, इस योजना को कर्मचारियों के लिए मॉडिफाइड एश्योर्ड कैशियर प्रोग्रेशन योजना के नाम से जाना जाएगा। यह योजना पूर्व ACP योजना को प्रतिस्थापित करती है और संगठित समूह का खा और गा के रेल कर्मचारियों पर लागू होगी। समूह घा कर्मचारी को समूह गा माना जाएगा। MACP योजना के विवरण और योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की मंजूरी के लिए शर्तें पार्ट बी में दी गई हैं। दूसरा, MACP योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की मंजूरी हेतु मामलों पर विचार के लिए प्रत्येक विभाग में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य शामिल होंगे। अध्यक्ष का ग्रेड सामान्यतः सदस्यों के ग्रेड से 1 स्तर ऊपर होगा। तीसरा, स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशें उन मामलों में सचिव के समक्ष रखी जाएंगी जहां मंत्रालय विभाग में अथवा अन्य मामलों में अनुमोदन हेतु संगठन अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी के सक्षम समिति का गठन किया जाता है। चौथा, प्रशासनिक मशीनरी पर अनुचित तनाव से बचने के लिए स्क्रीनिंग समिति एक समयबद्ध कार्यक्रम को अपनाएगी तथा वित्तीय वर्ष में 2 बार अधिमान्यतः जनवरी के प्रथम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में उस विशेष 6 माही में परिपक्व होने वित्तीय वर्ष की प्रथम सप्ताह में उस विशेष 6 माही में परिपक्व होने वित्तीय वर्ष की प्रथम 6 माही अप्रैल सितंबर के दौरान परिपक्व होने वाले मामलों पर समिति द्वारा जनवरी के प्रथम सप्ताह में विचार किया जाएगा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष की द्वितीय 6 माही अक्टूबर मार्च के दौरान परिपक्व होने वाले मामलों को संसाधित करेगी। पांचवा, इस योजना के अंतर्गत इस आधार पर वेतन बैंड अथवा ग्रेड वेतन में कोई वित्तीय उन्नयन स्वीकार नहीं किया जाएगा कि कनिष्ठ कर्मचारी वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक वेतन ले रहा है। छठवा, इस योजना के अंतर्गत विगत मामलों को नहीं खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त विगत ACP योजना और चालू MACP योजना के अंतर्गत एक ही संवर्ग में वेतन मानों के बीच अंतर को विसंगति के रूप में नहीं माना जाएगा। पार्ट बी, पहला, MACP योजना के अंतर्गत सीधे भर्ती ग्रेड से क्रमशः 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा के बाद 3 वित्तीय उन्नयन होंगे। योजना के अंतर्गत जब कभी कोई व्यक्ति एक ही ग्रेड वेतन में लगातार 10 वर्ष व्यतीत करता है, उसे वित्तीय उन्नयन दिया जाएगा। दूसरा, MACP योजना रेल सेवा संशोधन वेतन नियम 2008 की प्रथम अनुसूची में भाग 1 में सिफारिश किए गए पे बैंड और ग्रेड पे के क्रम में मात्र तत्काल अगला उच्च ग्रेड वेतन दिए जाने का प्रावधान करती है। इस प्रकार MACP योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के समय ग्रेड वेतन कतिपय मामलों में जहां 2 अनुवर्ती ग्रेडों के बीच नियमित पदोन्नति नहीं है,
यह नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध ग्रेड वेतन से अलग हो सकता है। ऐसे मामलों में संबंध संवर्ग संगठन के पदोन्नति क्रम में अगले पदोन्नति के पद से जुड़ा हुआ ग्रेड वेतन केवल नियमित पदोन्नति के समय ही दिया जाएगा। तीसरा, MACP के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन PV4 में 12,000 रुपये के अधिकतम ग्रेड वेतनों तक स्वीकार्य होगा। चौथा, नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन नियमन का लाभ इस योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के समय भी अनुमत होगा। अतः ऐसे उन्नयन से पूर्व आहरित वेतन बैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के जोड़ के 3% के बराबर वेतन में वृद्धि होगी। तथापि नियमित पदोन्नति के समय कोई और वेतन नियतन नहीं होगा। यदि ग्रेड वेतन वही है जो MACP के अंतर्गत मंजूर किया गया हो, तथापि वास्तविक पदोन्नति के समय यदि MACP के अंतर्गत मिलने वाले ग्रेड वेतन से पदोन्नति वाले पद का ग्रेड वेतन अधिक है, वहां कोई वेतन नियमन नहीं होगा, अपितु ग्रेड वेतनों के बीच अंतर की राशि देय होगी। एग्जाम्पल, यदि कोई सरकारी कर्मचारी PV1 में 1,800 रुपये के ग्रेड वेतन वाली सीधी भर्ती के माध्यम से सरकारी सेवा में आता है तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी होने तक उसे कोई पदोन्नति नहीं मिलती है, वहां उसे MACP के अंतर्गत 1,900 रुपये वाले अगले उच्च ग्रेड वेतन में वित्तीय उन्नयन स्वीकार्य होगा और उसका वेतन 1 वेतन वृद्धि के साथ ग्रेड वेतन का अंतर 100 रुपये जोड़कर नियत किया जाएगा। MACP के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के बाद यदि सरकारी कर्मचारी की अपने संवर्ग के पदोन्नति क्रम में अपनी नियमित पदोन्नति होती है और नियमित पदोन्नति पर ग्रेड वेतन 2,000 रुपये है, वहां उसे 1,900 रुपये और 2,000 रुपये के बीच ग्रेड वेतन के अंतर के बराबर लाभ होगा। इस स्थिति में कोई अतिरिक्त वेतन वृद्धि मंजूर नहीं की जाएगी। पांचवा, विगत में ACP योजना के अंतर्गत जिनका उनमें अर्जित पदोन्नति मंजूर किए गए उन्नयन का लाभ मंजूर किया गया है, जिनका छठवें वेतन आयोग द्वारा संतुत पदों के वेतन मानो वित्तीय उन्नयन के विलय के परिणाम स्वरूप समान ग्रेड वेतन हो गया है, उन्हें MACP के अंतर्गत उन्नयन मंजूर करने के प्रयोजनार्थ अनदेखा किया जाएगा। एग्जाम्पल, किसी विशेष संगठन में संशोधन पूर्व पदोन्नति क्रम आरोही क्रम में निम्नवत था, 5,000 से 8,000 रुपये, 5,500 से 9,000 रुपये और 6,500 से 10,500 रुपये का। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो 5,000 से 8,000 रुपये के संशोधन पूर्व वेतन मान के पदोन्नति क्रम में भर्ती हुआ था और जिसे 1/1/2006 से पहले 25 वर्ष की सेवा करने के बाद भी कोई पदोन्नति नहीं मिली थी, को 1/1/2006 को उसे अपने मामले में अपने संगठन के पदोन्नति क्रम में अगले ग्रेडों में अर्थात संशोधन पूर्व 5,500 रुपये से 9,000 रुपये और 6,500 रुपये से 10,000 रुपये के वेतन मानों में ACP के अंतर्गत 2 वित्तीय उन्नयन मिलते। खा, इसी पदोन्नति क्रम में 5,000 से 8,000 रुपये के संशोधन पूर्व वेतन मान में भर्ती हुए एक अन्य कर्मचारी ने भी लगभग 25 वर्ष की सेवा भी पूरी कर ली है।
परंतु उसे इस अवधि के दौरान 5,500 से 9,000 रुपये और 6,500 से 10,000 रुपये के अगले उच्च ग्रेडों में 2 पदोन्नतियां मिल चुकी हैं। उपरोक्त का और खा दोनों स्थितियों में 6वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधन पूर्व 5,000 से 8,000 रुपये, 5,500 से 9,000 रुपये और 6,500 से 10,500 रुपये के वेतन मानों के विलय हो जाने पर 1/1/2006 से पूर्व ACP के अंतर्गत 5,500 से 9,000 रुपये और 6,500 से 10,500 रुपये के संशोधन पूर्व वेतन मानों में मंजूर पदोन्नति वित्तीय उन्नयन की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियमों के अंतर्गत दोनों को PV2 में क्रमशः अगले उच्च ग्रेड वेतन 4,600 रुपये और 4,800 रुपये के 2 वित्तीय उन्नयन उपलब्ध होंगे। 6/1/2006 तक ACP योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन पाने वाले सभी कर्मचारियों के मामले में उनका संशोधित वेतन ACP योजना के अंतर्गत मंजूर किए गए वेतनमान के संदर्भ में नियत किया जाएगा। पहला 1/1/2006 और 31/8/2008 के बीच ACP योजना के अंतर्गत मंजूर किए गए वित्तीय उन्नयन के मामले में सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2008 के अंतर्गत संशोधित वेतन ढांचे में अपने वेतन नियतन के लिए निम्नवत विकल्प दे सकता है। का 1/1/2006 को अपने संशोधन पूर्व वेतन मान के संदर्भ में 1/1/2006 से अथवा खा ACP योजना के अंतर्गत मंजूर किए गए संशोधन पूर्व वेतन मान के संदर्भ में ACP योजना के अंतर्गत उसके वित्तीय उन्नयन की तारीख से विकल्प खा के मामलों में वह अपने विकल्प की तारीख अर्थात ACP योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की तारीख से ही अपने वेतन की बकाया राशि के आहरण के लिए हकदार होगा। दूसरा, उन मामलों में जहां सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन अगस्त 1999 की ACP योजना के अंतर्गत उनके संवर्ग के पदोन्नति क्रम में अगले उच्च वेतनमान में मंजूर किया गया था, परंतु 6वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप संवर्ग के पदोन्नति क्रम में उसके उच्च पद वाला ग्रेड वेतन मंजूर करके पदोन्नयन किया गया है, वहां संशोधित वेतन ढांचे में ऐसे कर्मचारियों का वेतन उस पद को मंजूर किए गए उच्च ग्रेड वेतन के संदर्भ में नियत किया जाएगा। एग्जाम्पल, लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता जिसे PV2 वेतन बैंड में ग्रेड वेतन के संशोधित ग्रेड वेतन के सुसंगत 6,500 से 10,500 रुपये के संशोधन पूर्व वेतनमान में सहायता अभियंता के ग्रेड के अपने पदोन्नति क्रम में प्रथम ACP मंजूर की गई थी के मामले में अब उसे 6वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के फलस्वरूप सहायक अभियंता के पद पर उन्नयन के कारण PV2 वेतन बैंड में 4,600 रुपये का ग्रेड वेतन मंजूर किया जाएगा, तथापि MACP के कार्यान्वयन की तारीख से इस योजना के अंतर्गत सभी वित्तीय उन्नयन केंद्रीय सिविल सेवा संशोधन वेतन नियम 2008 द्वारा अधिसूचित वेतन बैंडों में
ग्रेड वेतनों के पदोन्नति क्रम के अनुसार लागू किए जाएंगे। सातवां, MACP योजना के अंतर्गत पदोन्नति वित्तीय उन्नयन की मंजूरी पर सरकारी कर्मचारी अपने वेतन नियतन के संबंध में FR 22-1A-1 के अंतर्गत उच्च पद ग्रेड वेतन में अपना वेतन अपनी पदोन्नति वित्तीय उन्नयन की तारीख से अथवा अपनी अगली वेतन वृद्धि अर्थात वर्ष की 1 जुलाई से नियत कराने का विकल्प दे सकता है। वेतन और अगली वेतन वृद्धि की तारीख को व्यय विभाग के कार्मिक ज्ञापन संख्या 1-1-2008 IC दिनांक 13-9-2008 के स्पष्टीकरण संख्या 2 के अनुसार नियत किया जाएगा। आठवां, भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति क्रम में एक ही ग्रेड वेतन वाले पद में अर्जित पदोन्नतियां MACP के प्रयोजनार्थ हिसाब में ली जाएगी। पहला, छठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप 5,400 रुपये का ग्रेड वेतन दो वेतन बैंडों अर्थात PV2 और PV3 में है। PV2 में 5,400 रुपये का ग्रेड वेतन और PV3 में 5,400 का ग्रेड वेतन MACP योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के प्रयोजनार्थ वेतन अलग अलग माने जाएंगे। नौवां, MACP के प्रयोजनार्थ नियमित सेवा सीधे भर्ती आधार पर अथवा विलय पुनर्नियोजन आधार पर नियमित रूप से सीधे प्रविष्टि ग्रेड में किसी पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आरंभ होगी। नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण पर नियमित नियुक्ति से पहले तदर्थ ठेके पर की गई सेवा को हिसाब से नहीं लिया जाएगा, तथापि किसी अन्य सरकारी विभाग में किसी नए विभाग में सेवा भंग के बिना नियमित नियुक्ति से पूर्व एक ही ग्रेड वेतन वाले पद में विगत सतत नियमित सेवा को भी केवल MACP नियमित पदोन्नति के लिए नहीं के प्रयोजनार्थ अर्हक नियमित सेवा के प्रति हिसाब में लिया जाएगा, तथापि ऐसे मामलों में MACP के अंतर्गत लाभों को नए पद में परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक समापन होने तक हिसाब में नहीं लिया जाएगा। दसवां, सरकार में नियुक्ति से पूर्व किसी राज्य सरकार सावधिक निकाय स्वायत्त निकाय लोक क्षेत्र संगठन में सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई विगत सेवा नियमित सेवा के प्रति हिसाब में नहीं ली जाएगी। ग्यारहवां, नियमित सेवा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत प्रतिनियुक्ति बाह सेवा पर बिताई गई संपूर्ण अवधियां अध्ययन छुट्टी और अन्य प्रकार की सभी छुट्टियां शामिल होंगी। बारहवां, MACP कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी यदि उनकी सेवा शर्तें नियमित प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के साथ तुलनीय हों। तेरवा, मंत्रालय विभाग अथवा उनके कार्यालयों में किसी विशेष वर्ग के कर्मचारियों के लिए विद्यमान समयबद्ध पदोन्नति योजना जिसमें यथास्थिति पदोन्नति योजना स्टाफ कार चालक योजना अथवा किसी अन्य प्रकार की पदोन्नति योजना शामिल है संबंध वर्ग के कर्मचारियों के लिए अभी भी जारी रहेगी। यदि संबंध प्रशासनिक प्राधिकारी आवश्यक परामर्श के बाद ऐसी योजनाओं को जारी रखने का निर्णय करते हैं अथवा वे MACP को अपना सकते हैं तथा PA योजना MACP के साथ साथ नहीं चलेगी।
14वां MACP योजना सीधे तौर पर मात्र केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को लागू है। यह स्वयमेव मंत्रालय विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण वाले केंद्रीय स्वायत्त सावधिक निकायों के कर्मचारियों को लागू नहीं होगी। वित्तीय प्रभाव की अंतर्ग्रस्त एवं दृष्टिगत संबंध शासकीय निकाय निदेशक बोर्ड और संबंध प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक सचेत निर्णय लेना होगा और वहां MACP को अपनाए जाने का प्रस्ताव है, वहां मंत्रालय की सहमति प्राप्त करनी होगी। 15वां यदि MACP के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी के अयोग्य होने के कारण अथवा विभागीय कार्यवाही के कारण 10 वर्ष के बाद अस्थगित कर दिया जाता है, वहां इसका प्रभाव तत्पश्चात मिलने वाले वित्तीय उन्नयन पर भी पड़ेगा, अर्थात उन्हें भी प्रथम वित्तीय उन्नयन की मंजूरी में विलंब की सीमा तक अस्थगित कर दिया जाएगा। 16वां इस योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की मंजूरी पर कर्मचारी के पद नाम वर्गीकरण अथवा उच्चतर प्रायस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तथापि वित्तीय एवं कतिपय अन्य लाभ जो कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन से जुड़े हुए हैं, जैसे मकान निर्माण भत्ता, सरकारी आवास का आवंटन आदि, सरकारी कर्मचारी को अनुमत किए जाएंगे। 17वां PV1 के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन ग्रेड वेतन के पदोन्नति क्रम में कर्मचारी की पात्रता के अध्यधीन गैर कार्यात्मक आधार पर दिया जाएगा। तत्पश्चात MACP के अंतर्गत उन्नयन के लिए PV3 में 6,600 रुपये के ग्रेड वेतन तक गोपनीय रिपोर्ट का अच्छा मानदंड लागू होगा, जबकि 7,600 रुपये और उससे अधिक ग्रेड वेतन में वित्तीय उन्नयन के लिए बहुत अच्छा मानदंड लागू होगा। 18वां अनुशासनिक शास्त्रीय कार्यवाही के मामले में MACP के अंतर्गत लाभ की मंजूरी सामान्य पदोन्नति को विनियोजित करने वाले नियमों के अध्यधीन होगी, अतः इस प्रकार के मामले केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमों के उपबंध तथा उनके तहत अनुदेशों के अंतर्गत विनियमित किए जाएंगे। 19वां MACP योजना मात्र तत्काल उच्च ग्रेड वेतन वित्तीय लाभों की मंजूरी व्यक्तिगत आधार पर प्रतिस्थापन अवधारित करती है तथा इसे संबंध कर्मचारियों की वास्तविक कार्यात्मक पदोन्नति नहीं माना जाएगा, अतः MACP के अंतर्गत कोई आरक्षण आदेश रोस्टर लागू नहीं होगा, अपितु सभी पात्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को भी इसके लाभ समान रूप से मिलेंगे। तथापि पदोन्नति में आरक्षण के नियम नियमित पदोन्नति के समय सुनिश्चित किए जाएंगे, इस कारण इस योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की मंजूरी के लिए मामलों के विचार हेतु अभिप्रेत छानबीन समिति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य नहीं होगा। 20 MACP योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी के लिए यथार्थतः व्यक्तिगत होगा तथा उसकी वरिष्ठता प्रायस्थिति से इसकी कोई सुसंगत नहीं होगी। इस प्रकार वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए इस आधार पर अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं होगा कि कनिष्ठ कर्मचारी ने MACP योजना के अंतर्गत उच्च वेतन ग्रेड वेतन प्राप्त किया है।
21वां MACP योजना के अंतर्गत अनुमत वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में आहरित वेतन सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों के संबंध में सीमांत लाभों के अवधारण हेतु आधार बनेगा। 22वां यदि समूह का कर्मचारी जिसे ACP योजना का लाभ नहीं मिला था अब 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर तीसरे वित्तीय उन्नयन का पात्र बन चुका है का वेतन संशोधित वेतन बैंडों और ग्रेड वेतनों के पदोन्नति क्रम में प्रत्येक स्तर पर 3% वेतन नियतन का लाभ अनुमत करते हुए क्रमशः अगले 3 लगातार उच्च ग्रेड वेतनों में नियत किया जाएगा। दूसरे वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र व्यक्तियों का वेतन भी तदनुसार नियत किया जाएगा। 23वां यदि किसी कर्मचारी को उसके संगठन में सरप्लस घोषित कर दिया जाता है तो उसे किसी नए संगठन में उसी वेतनमान अथवा निम्न वेतनमान में नियुक्त किया जाता है। वहां पूर्व संगठन में उसके द्वारा की गई नियमित सेवा MACP योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की मंजूरी के प्रयोजनार्थ नए संगठन में नियमित सेवा के प्रति हिसाब में ली जाएगी। 24वां यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति ACP का लाभ उठाने के पश्चात निम्न पद अथवा निम्न वेतनमान के एक तरफा स्थानांतरण के लिए आवेदन करता है वहां वह MACP के अंतर्गत 20-30 वर्ष की नियमित पूरी होने पर केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र होगा। 25वां यदि किसी नियमित पदोन्नति को वित्तीय उन्नयन के लिए हकदार होने से पूर्व अस्वीकार कर दिया जाता है वहां उसे वित्तीय उन्नयन अनुमत नहीं किया जाएगा क्योंकि कर्मचारी की पदोन्नति पर अवसरों की कमी के कारण रोक नहीं लगाई गई है। तथापि यदि कर्मचारी को गतिरोधक स्थिति के कारण वित्तीय उन्नयन अनुमत किया गया है तथा कर्मचारी तत्पश्चात पदोन्नति स्वीकार नहीं करता है वहां उसके वित्तीय उन्नयन को वापस नहीं लिया जाएगा तथापि वह उस समय तक अगले वित्तीय स्तरों उन्नयन के लिए विचारणीय नहीं होगा जब तक वह पदोन्नति पुनः विचार किए जाने के लिए सहमत नहीं हो जाता और द्वितीय अगला वित्तीय उन्नयन पदोन्नति के लिए अस्वीकृति बने रहने की सीमा तक अस्थगित रखा जाएगा। 26वां 26वीं समिति द्वारा पूर्णता तदर्थ आधार पर उच्च पदों पर कायम व्यक्तियों के मामलों पर अन्य मामलों के साथ विचार किया जाएगा। उन्हें निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की स्थिति में वित्तीय उन्नयन का लाभ भी अनुमत किया जाएगा अथवा यदि तदर्थ आधार पर आहरित वेतन के मुकाबले वह अधिक लाभप्रद हो। 27वां प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को MACP के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ उठाने के लिए मूल विभाग के प्रत्यावर्तन की आवश्यकता नहीं है। वे अपनी तैनाती के पद से वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन अथवा MACP के अंतर्गत उन्हें स्वीकार वेतन और ग्रेड वेतन जो लाभप्रद हो। एग्जाम्पल का एक यदि 1900 रुपये के ग्रेड वेतन में PV1 में एक सरकारी कर्मचारी अवर श्रेणी लिपिक 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 2400 रुपये के ग्रेड वेतन में PV1 में प्रथम नियमित पदोन्नति अपर श्रेणी लिपिक प्राप्त करता है और तत्पश्चात बिना किसी पदोन्नति के
उसी ग्रेड वेतन में आगे लगातार 10 वर्ष तक बना रहता है, तब वह 18 वर्ष की सेवा पूरी होने पर PV1 में 2,800 रुपये के ग्रेड वेतन में द्वितीय वित्तीय उन्नयन का पात्र होगा। दूसरा, यदि तत्पश्चात कोई पदोन्नति नहीं मिलती है तब उसे आगे 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अर्थात 28 वर्षों के बाद PV2 में 4,200 के ग्रेड वेतन में तीसरा वित्तीय उन्नयन मिलेगा। तीसरा, तथापि उसे आगे वर्ष की सेवा के बाद अर्थात 23 वर्षों की सेवा पूरी होने पर PV2 में 4,200 रुपये सहायक ग्रेड ग्रेड गा के ग्रेड वेतन में दूसरी पदोन्नति मिलती है, तब उसे 10 वर्ष पूरे होने पर तीसरा वित्तीय उन्नयन मिलेगा। उपरोक्त परिस्थिति में वेतन ऐसे उन्नयन से पहले वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का 3% बढ़ा दिया जाएगा, तथापि नियमित पदोन्नति के समय और कोई वेतन नियमित नहीं होगा। यदि पदोन्नति उसी ग्रेड वेतन में है अथवा उच्च ग्रेड वेतन में है, पदोन्नति पर केवल ग्रेड वेतन के बीच अंतर स्वीकार्य होगा। हाँ, यदि PV1 में 1,900 रुपये के ग्रेड वेतन में एक अवर श्रेणी लिपिक को MACP के अंतर्गत 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर PV1 में 2,000 रुपये ग्रेड वेतन में प्रथम वित्तीय उन्नयन मिलता है और उसके 5 वर्ष बाद PV1 में 2,400 रुपये के ग्रेड वेतन में उसे प्रथम नियमित पदोन्नति अपर श्रेणी लिपिक मिलती है, MACP के अंतर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन सरकारी कर्मचारी को मिल रहे ग्रेड वेतन के संदर्भ में अगले ग्रेड वेतन में 2,800 रुपये के ग्रेड वेतन में PV1 में 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर मंजूर किया जाएगा। तीस वर्ष की सेवा पूरी होने पर उसे 4,200 रुपये के ग्रेड वेतन में तीसरी ACP मिलेगी, तथापि 20 वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले 2 पदोन्नतियां अर्जित होती हैं, वहां द्वितीय पदोन्नति की तारीख से ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अथवा कुल 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर जो पहले हो तीसरा वित्तीय उन्नयन स्वीकार्य होगा। यदि किसी कर्मचारी को या तो 2 नियमित पदोन्नतियां मंजूर की गई हैं अथवा 24 वर्ष की नियमित सेवा के बाद अगस्त 1999 की ACP योजना के अंतर्गत 2 वित्तीय उन्नयन मंजूर किए गए हैं, वहाँ MACP के अंतर्गत तीसरा वित्तीय उन्नयन 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर स्वीकार्य होगा, बशर्ते उसे पदोन्नति क्रम में तीसरी पदोन्नति मंजूर नहीं की गई हो। मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन योजना के स्पष्टीकरण। पहला, इस योजना में 10, 20, 30 वर्ष बाद लाभ देने के लिए अस्थायी स्तर पर कैजुअल लेबर सेवा, जिसके बाद नियमित सेवा मिल जाती है, के 50% समय को भी जोड़ा जाएगा, जैसे वह पेंशन के लिए अर्हक सेवा में जोड़ा जाता है। दूसरा, FGO की अस्थायी ओहदे की संपूर्ण सेवा की गणना के लिए आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के लाभ देना। FGO की अस्थायी ओहदे की पूर्ण सेवा की पेंशनरी लाभों के लिए गणना की जाती है। यह निर्णय लिया गया है कि बिना किसी ब्रेक के
नियमितीकरण के साथ की गई एफजीओ की अस्थायी ओहदे की संपूर्ण सेवा की आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के प्रयोजन के लिए 10, 20 तथा 30 वर्ष की न्यूनतम सेवा के संबंध में गणना की जाए। तीसरा, सिक्स्थ सीपीसी की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप 2,550 से 3,200 रुपए, 2,610 से 3,540 रुपए, 2,610 से 4,000 रुपए के 4 संशोधन पूर्व समूह घा वेतनमानों को अपग्रेड किया गया है और पे बैंड पीवी 1 में 1,800 रुपए के ग्रेड पे के संशोधित वेतन ढांचे में रखा गया है। सिक्स्थ सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार इन 4 संशोधित पूर्व समूह घा वेतनमानों में रेल सेवकों को पे बैंड पीवी 1 में 1,800 रुपए के ग्रेड पे का समूह घा संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है। बोर्ड के उपर्युक्त 10/6/2009 के पत्र के अनुबंध 1 के पैरा 5 के समान विगत में उपर्युक्त 4 वेतन मानों जो अब 1,800 रुपए के ग्रेड पे में हैं, में प्राप्त पदोन्नति को अथवा 1/10/1999 को एसीपी योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए अपग्रेशनों की एमएसीपी के प्रायोजन हेतु अनदेखी की जाएगी, बहरहाल 1900 रुपये 3,050, 75, 3,590, 80, 4,590 रुपये के संशोधन पूर्व वेतनमानों के ग्रेड पे में मौजूदा समूह घा कर्मचारियों द्वारा प्राप्त पदोन्नतियां वित्तीय अपग्रेशनों की एमएसीपी के प्रायोजन हेतु गणना की जाएगी। चौथा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार बोर्ड के दिनांक 10/6/2009 के पत्र के पैरा 8.1 के अनुसार सीधे भर्ती किए गए सहायक, सीधे भर्ती किए गए ग्रेड सी आशुलिपिक जिन्होंने 5,400 रुपये की ग्रेड पे में गैर कार्यात्मक ग्रेड प्राप्त किया है, 30 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर लेने पर ही 6,600 रुपये की अगली ग्रेड पे में तीसरे वित्तीय अपग्रेशन के लिए हकदार होंगे। ऐसे अधिकारियों के लिए कोई अन्य वित्तीय अपग्रेशन ग्राह नहीं होगा। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।